नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी बबलू के साथ हम मौजूद हैं रीवा के मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पर मनोज इंदुलकर डीन भी हैं, लेकिन डीन तो बाद में है। पहले मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के ख्याति नाम डॉक्टरों में से एक मेडिसिन विभाग के डॉक्टर हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे। जिस तरीके से सर, मेरा पहला सवाल, जिस तरीके से ये कोरोना वायरस इस दूसरे दौर में आया है, इसके प्रमुख लक्षण क्या और बचाव के क्या सावधानियां? इसमें ये जो दूसरा दौर आया है, ये बहुत ही घातक है। इसमें जो वायरस है तेज़ी से रेप्लिकेट कर रहा है, मतलब बढ़ता हैगा। और हमने अक्सर यहाँ देखा हैगा कि ये जो यंग जनरेशन है, इसमें पहले इतनी मौत नहीं होती थी, और दो या तीन दिन के अंदर ही ये वायरस जो है काफ़ी घातक रूप ले लेता हैगा। तो ये जो ये वाला अपना इंडियन स्ट्रेन आया है, ये काफ़ी घातक है। तो हमेशा जो यंग लोग हैं वही अधिकतर बाहर की एक्टिविटी में रहते हैं, हमारे बुजुर्ग तो घर के अंदर ही अक्सर रहते होंगे। तो इस बार हमारे जितने युवा हैं, इनको ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। पहले दौर में जो हम लोगों का जो डाटा था, उसमें जो एल्डरली जो थे, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन होती थी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर या किडनी की बीमारी है, इसमें इन्हीं लोगों को ये वायरस घातक होता था। इस बार जो है वो यंग लोगों में है और अधिक घातक है, और यंग लोग अधिकतर बाहर रहते हैं। इसके लिए बचाव के लिए आप क्या बचाव में हमारे भी जितने जवान साथी लोग हैं, इनको ध्यान रखना होगा कि जैसे कहा जाता था कि 1 मीटर या 6 फीट दूरी बनाए रख के ही अपने को कार्य करना है। इस समय ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस वायरस है, इसलिए हमेशा मास्क लगा के रहें, मास्क ना उतारें। यही हमारी हमारे जवान साथियों से अपेक्षा है, गुजारिश है कि किसी तरह से अपने हमेशा मास्क पहने, मास्क ही बचाव है। एक बड़ा सवाल जो हमें काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी, इन दिनों वैक्सीनेशन का काम काफ़ी जोरों से चल रहा है। वैक्सीनेशन के पहली डोज के बाद अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ और उसके बाद दूसरे डोज का वक्त आ गया, उस दौरान पेशेंट को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और दूसरा डोज उसको कब लेना चाहिए? इसमें जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है, उसमें दो हमको डोज देना है। पहला डोज और उसके डोज के अंतर में 6 सप्ताह का अंतर रहना चाहिएगा, और उसके 15 दिन बाद जो दूसरा डोज लगता है, उसके बाद एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैगी, तब फिर उसका जो वैक्सीन का असर आने लगता है। तो पहले डोज या दूसरे डोज के बाद भी कोविड होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि उसका इफेक्ट आने में समय लगता है। तो हमें वैक्सीन लगने के बावजूद भी, पूरा डोज पूरा होने के बावजूद भी हमेशा सतर्कता रखना पड़ेगी, क्योंकि पूरा 100% वैक्सीनेशन अपन कहें तो इफेक्टिव नहीं है। 90% 92% है, लेकिन 7-8% लोगों में देखा गया है कि वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो इसलिए हमेशा सबसे जो अपना वैक्सीन है वो अपना मास्क ही है। जैसे किसी को वैक्सीन के बाद कोरोना होता है, फिर दूसरे डोज का जो वक्त होता है, उसको किस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे? गाइडलाइन के हिसाब से ये होता है कि किसी को अगर कोविड हुआ है तो उसका जो पूरा जब कोविड का ट्रीटमेंट हो जाए, उसके 15 दिन बाद अगला डोज लगाना होता है। बड़ा सवाल जो ये था कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है, ठीक होने के बाद 15 दिन का समय उसके पास होता है, उस दौरान वो अपना दूसरा डोज ले सकता है और अपने को पूरी तरीके से बचाव कर सकता है, ये कहना था डीन रीवा मेडिकल कॉलेज मनोज इंदुलकर जी का। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।